भीम जय मूल निवासी, मैं शैला। एमएनटी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं एमएनटी न्यूज फास्ट बुलेटिन में कुछ विशेष खबरें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आने के बाद गुस्साए प्रतियोगी छात्र सड़क पर। प्रदर्शन कर रहे प्रतियोगियों पर लाठीचार्ज, छात्रों ने किया पुलिस पर पथराव। भीषण गर्मी में भी आयोग के सामने धरने पर बैठे प्रतियोगी। मोहना सिंह ने रचा इतिहास, बनी दिन में मिशन करने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट। 1 जून से भारत में होने जा रहे 6 बड़े बदलाव, इनमें रसोई गैस सिलेंडर के दाम, ब्याज दर पर आरबीआई का फैसला, आर्मी कैंटीन में कारों पर अधिकारियों को मिलने वाली छूट, बसों में लगने वाले पैनिक बटन, बिना हेलमेट पेट्रोल लेने के नियम आदि शामिल है। इंदौर के लिए खुशखबरी, मध्य प्रदेश में इंदौर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को मिला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दर्जा। अब यहां से यात्री कर सकेंगे अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा। इस संबंध में गजट नोटिफिकेशन भी जारी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जीवनदायी गंगा नदी के प्रदूषण को रोकने के लिए कोई भी कदम न उठाने पर बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकारों को लगाई फटकार। साथ ही इन तीनों राज्यों पर एनजीटी ने 25 लाख रुपयों का ठोका जुर्माना। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई पीजी मेडिकल एडमिशन की तारीख। आर्थिक तौर से कमजोर वर्ग के लिए 10% प्रतिनिधित्व को लेकर एडमिशन प्रक्रिया की तारीख बढ़ाकर 4 जून तक कराने का दिया आदेश। कोर्ट ने राज्य सरकार की आलोचना की और चेताया कि राज्य सरकार पर लग सकता है कोर्ट की अवमानना का मामला। मध्य प्रदेश के मंत्री शर्मा बोले, किसानों पर 10 प्रकरण वापस लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के जनसंपर्क एवं विधि मंत्री पीसी शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार पूर्ववर्ती भाजपा शासन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज किए गए प्रकरणों को वापस लेगी और इस संबंध में प्रक्रिया भी शुरू की गई है। वर्ष 2017-2018 के दौरान देश में बेरोजगारी की वृद्धि दर 6.1% रही। यह आंकड़ा 45 साल में सबसे ज्यादा है। सांख्यिकी मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी की जुलाई 2017 से जून 2018 के लिए पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट। महाराष्ट्र के नागपुर में दवा बाजार में लगी आग, करोड़ों का सामान जलकर खाक। सारी रात आग बुझाती रही दमकल की गाड़ियां। एमएनटी फास्ट बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मूल निवासी बहुजनों से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एमएनटी न्यूज नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जय भीम, जय मूल निवासी।